वो वाईफाई कॉलिंग के बारे में तो शायद आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे। रियलमी के डिवाइस में वो वाईफाई कॉलिंग का पूरा टाइमलाइन आप लोगों के पास है, तो वो कैसे काम करेगा वो भी शायद आप लोग जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ट्यूटोरियल देने वाला हूं, और शायद इस वीडियो का जो मेन मकसद है ये है कि भाई वो वाईफाई कॉलिंग आप कौन से टाइम में यूज़ करेंगे। मुझे गारंटी पता है कि बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन में है कि भाई वाईफाई कॉलिंग जब मैं लूँगा तब क्या मुझे टैरिफ प्लान लाएगी, उसका कोई अलग सा प्लान है, या मेरे घर में वाईफाई रहना पड़ेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा एकदम डिटेल से, तो चिंता लेने की कोई भी बात नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अगर आप वो वाईफाई कॉलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो में देखते रहना। वो वाईफाई कॉलिंग रियलमी के जिस डिवाइस में सबसे पहले आया है वो है रियलमी X2 Pro। रियलमी X2 Pro में इस महीने का जो अपडेट था उस अपडेट के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिल चुका है। तो ये जो वो वाईफाई कॉलिंग है इसको कैसे इनेबल करना है वो तो मैं खैर बताऊंगा, पर उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं भाई वो वाईफाई कॉलिंग मतलब क्या होगा। मतलब अब आप ही सोच रहे होंगे कि इसके लिए आपको एक टैरिफ प्लान लेना पड़ेगा, कोई प्लान लेना पड़ेगा, उस प्लान के हिसाब से आप कॉल कर पाएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे नहीं होगा। मैं एक सिंपल बात आपको बताना चाहता हूँ। आप ऑफिस में काम करते हैं, आप घर में बैठे हैं, आपके वाईफाई है, मान लीजिए आपका घर में कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं है, आप किसी से हॉटस्पॉट लेके ये कनेक्ट कर चुके हैं। मतलब मान लीजिए कि आपके घर में दूसरे कोई डिवाइस है, वहाँ पे आपने हॉटस्पॉट ऑन किया और यहाँ पे वाईफाई ऑन किया इस डिवाइस में, कोई भी एक डिवाइस जो आपके पास हो, तो उस डिवाइस में वाईफाई ऑन करने के बाद जो वाईफाई सिग्नल्स आपके सामने जनरेट होगा, अगर आपके डिवाइस में वो वाईफाई कॉलिंग इनेबल रहा है तो बहुत ही आसानी से आप उस वाईफाई कॉलिंग फीचर्स को यूज़ करते हुए बाकी लोगों को कॉल कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपका जो वो वाईफाई कॉलिंग का स्विच है यानी जो इनेबल करने का बटन है उसको आपको इनेबल कर रखना पड़ेगा। कैसे इनेबल करना होगा वो लेटर पार्ट ऑफ वीडियो आपको पता चल जाएगा, तो मैं यहाँ पे शायद आपको समझा पा रहा हूँ लगता है। अगर आप नहीं समझे तो नीचे कमेंट में बताइए, मैं फिर से एक बार और आपको यहाँ पे बोल देता हूँ कि इसके लिए आपको कोई भी टैरिफ प्लान नहीं लेना है, आपके पास बस एक वाईफाई कनेक्शन रहना चाहिए, मोबाइल डेटा से नहीं चलेगा, वाईफाई रहना चाहिए। मान लीजिए आप जैसे कि मैंने बताया आपको किसी और मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्शन ऑन करके आप वाईफाई कनेक्शन में जाके आराम से आप किसी को कॉल कर सकते हैं। इसके लिए अगर उसी एरिया में आपका नेटवर्क कनेक्शन जीरो आ रहा है तो आप बहुत ही आसानी से कॉल कर सकते हैं, और इमरजेंसी कॉल के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है। इमरजेंसी कॉल भी पूरा का पूरा नेटवर्क अगर डिलीट हो जाए तो वो काम नहीं करता। तो अभी बात करता हूँ कि किस तरह से आप इसको इनेबल कर सकते हैं रियलमी X2 Pro में, वो हम लोग देख लेते हैं। खैर आप लोग देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक इनिशियल ट्यूटोरियल दे देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Realme कम्युनिटी में एक आर्टिकल पोस्ट किया गया है जहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू टर्न ऑन वो वाईफाई फीचर्स ऑन Realme X2 Pro एंड अदर Realme स्मार्टफोन्स। यहाँ पे बात ये किया जा रहा है कि आप लोगों को बताया कि Realme X2 Pro में सबसे पहले ये वो वाईफाई कॉलिंग का फीचर्स आ चुका है। अब वो वाईफाई कॉलिंग कैसे काम करते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स तो आप लोगों को पता चल गया होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग एक बार के लिए ट्यूटोरियल को देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल के सिम कार्ड में जाना पड़ेगा, तो मोबाइल का जो सिम का सेटिंग्स है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ रियलमी के डिवाइस में। तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स के जाने के बाद डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सिम ऑन सिम टू ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये तो खैर रियलमी 2 है, यहाँ पे अभी तक अप टू डेट नहीं आया है, जब आ जाएगा मैं उसका भी ट्यूटोरियल दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको जो भी सिम है उस सिम में जाना है, और उस सिम में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का एक ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन को आपको ऑफ रहेगा, आप देख पा रहे हैं बाय डिफॉल्ट, तो उसको आपको इनेबल करना है। उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वाईफाई कॉलिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कि वाईफाई कॉलिंग इनेबल, आप देख पा रहे हैं कि वाईफाई कॉलिंग इनेबल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रियलमी इंडिया जैसा लिखा हुआ है वाईफाई इनेबल है, और यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा जूम करके देखते हैं यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिख रहा होगा वॉइस के ऊपर वाईफाई का, जैसे वो LTE रहता है, वो LTE ऐसा जो लोगो रहता है उसी एरिया में आपको यहाँ पे एक वाईफाई का लोगो देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे वॉइस ओवर कॉलिंग एक्टिवेट हो चुका है, और उसी के साथ यहाँ पे और एक पिक्चर जो कि इन लोगों ने दिया है वो कि कॉलिंग करते टाइम कैसा आएगा, कॉलिंग करते टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कॉल HD, और ऊपर में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे बहुत ही ध्यान से तो यहाँ पे आपको वाईफाई का एक लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वाईफाई का लोगो है, कॉलिंग के ऊपर वाईफाई का लोगो है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली वाईफाई के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, पर एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि भाई यहाँ पे एयरटेल एंड जियो इन दोनों ही सिम कार्ड में ये काम करेगा। अगर आपके पास वोडाफोन है, मान लीजिए मेरे पास वोडाफोन है, मान लीजिए नहीं था जरूरत है, मेरे खुद के ही पास वोडाफोन है, तो मैं ये फीचर्स को अवेलेबल नहीं कर पाऊँगा। अगर मेरे कोई दूसरे सिम कार्ड है और दूसरे सिम कार्ड में वो वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है, तभी मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा, तभी मैं वो वाईफाई कॉलिंग वाले फीचर्स को इनेबल कर पाऊँगा। तो शायद आपने देख लिया कि वो वाईफाई कॉलिंग कैसे इनेबल करना होता है और वो वाईफाई कॉलिंग के बारे में कुछ चीज़ें आपने जान ली। कुछ डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। अगर वाईफाई कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो जैसा होता है कि नेटवर्क कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो कॉल कट जाता है, तो यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कॉल कट जाएगा। वाईफाई के लिए जैसे हमें अलग से चार्ज नहीं करना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना पड़ेगा। बस आपको एक वाईफाई चाहिए, आप वो किसी राउटर से भी आ सकते हैं या किसी मोबाइल के वाईफाई से भी आ सकते हैं। हॉटस्पॉट ऑन करके आप वाईफाई ले सकते हैं और उससे अपना कॉल वगैरह कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वाईफाई कॉलिंग एक बहुत ही अच्छा इमरजेंसी टाइम में यूज़ करने वाला डिवाइस है। अगर आप मेट्रो वगैरह में है, आपका कनेक्शन नहीं है, टोटली यहाँ पर डिसअलाउ हो गया है सिम कार्ड, तो आप वाईफाई कॉलिंग के जरिए, मेट्रो की वाईफाई कॉलिंग के जरिए आप किसी को कॉल कर सकते हैं। और ऐसे भी बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जिसको कॉल करेंगे उसको भी क्या वाईफाई कॉलिंग चाहिए? नहीं, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उसी सिम कार्ड में ऐसा फीचर्स दिया गया है जो बाकी लोगों को भी, नॉर्मल पर्सन को भी, अगर किसी आप कीपैड फोन में भी फ़ोन करेंगे वो भी वाईफाई कॉलिंग को एक्सेप्ट कर पाएगा। तो भाई लोग, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया वाईफाई कॉलिंग कैसे काम करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ बता दिया, और साथ साथ किस तरह से इसको इनेबल करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो भाई, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसा ही वीडियो अगर आप आने वाले टाइम में देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।